नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र एच पंड्या, न्यूरोपंच आयुर्वेद हॉस्पिटल, सेक्टर 21, गांधीनगर, गुजरात, इंडिया। आज मैं एंकेलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस के बारे में और उनका आयुर्वेदिक चिकित्सा और उनके लाभ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एंकेलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस को बाम्बू स्पाइन भी कहा जाता है और ये मॉडर्न की दृष्टिकोण से गिने तो ये क्योरेबल नहीं है। इसमें जो स्पाइन है, स्पाइनल कोड है, ग्रेजुअली बाम्बू की तरह हो जाता है और इसीलिए उसका सिनोनिम्स और एक नाम ये बाम्बू स्पाइन रखा गया है। व्यक्ति का हिलना डुलना कम हो जाता है, व्यक्ति को काफ़ी दिक्कतें आती हैं और वो बहुत पीड़ा के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। आप जो हमारे बाजू में बैठे हैं श्री मनीष जी भाटिया, वो 47 एज के हैं और अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं। आपको एंकेलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस 1988 माने 1988 आज से 31 साल पहले शुरू हुआ था और दिन प्रतिदिन बढ़ता चला। आपको हाइपरटेंशन माने हाई बीपी भी है। आप जब अगस्त 2019 में हमारे चिकित्सालय में न्यूरोपंच में चिकित्सा के लिए आए तो वो टाइम आप स्वयं अपने आप चलने में और हमारा दवाखाने में पहुंचने में सक्षम नहीं थे। दो बंदे आपको पकड़ के लाए थे और वो टाइम स्थिति ये थी कि आप सोने की पोस्चर नहीं ले सकते थे, आपको बैठे बैठे सोना पड़ता था और काफ़ी दिक्कतें वो टाइम पे थी। हमने आप में ओरल ट्रीटमेंट और पंचकर्म, आयुर्वेद का पंचकर्म और ओरल ट्रीटमेंट दोनों प्रारंभ किया। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि पंचकर्म शुरू करने के चौथे ही दिन आप पोस्चर, सोने का पोस्चर ले सकें और आप करवट कर लेकर सो पाए। आज ये स्थिति है कि वो अपने आप स्वयं चल के आते हैं। हमारा जो फर्स्ट फ्लोर पे क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे वो बिल्कुल अपने आप विदाउट एनी सपोर्ट वो अपने आप आते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, चलने में कोई दुविधा नहीं है। वो काफ़ी समय से जो लेटने का जो प्रॉब्लम था वो पूरा हो गया। उससे भी ज़्यादा बात ये है कि वो स्वयं कार चला के, अहमदाबाद से कार चला के, खुद चला के यहाँ चिकित्सा लेने आते हैं। हमने दोबारा आप में पंचकर्म शुरू किया। ये ऑलरेडी आपका जो स्पाइन था वो काफी कव सी शेप हो चुका था, तो हमने ये दोबारा जो पंचकर्म शुरू किया है उसमें काफी रिजिडिटी थी, स्टिफनेस थी, हमने दोबारा शुरू किया। तो बात ये है कि वो जो कर्व था वो कुछ हद तक कम हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आप थोड़ा खड़े हो जाएं ताकि मैं बता पाऊं कि अभी जो आप देख रहे हैं वो तो काफी कम है, इससे भी बहुत ज्यादा शायद झुकाव यहां तक का था, चलने में भी यहां तक का झुकाव था। आज चिकित्सा के पश्चात इतना फायदा दिखा है। भाटिया जी बैठिए, आप अपना जो तकलीफ है, आपके तकलीफ के बारे में और फायदे के बारे में कम शब्दों में दर्शकों को बताएं। पिछले एक साल थोड़े लाउडली आपको बोलना पड़ेगा। पिछले एक साल से मैं काफी तकलीफ में था, मैं बेड पे सो भी नहीं सकता था। एक महीना तो मैं चेयर पे बैठ के ही सोया हूँ, मगर आपसे मिलने के बाद, दवाइयाँ स्टार्ट करने के बाद और पंचकर्मा करने के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट है और ये 4 महीने के अंदर जो मेरी स्थिति है काफ़ी बेहतर हो गई है। ये वीडियो हम जनहित में नेट पे रखना चाहते हैं तो आपका अनुमति है?
कोई प्रॉब्लम नहीं जी, आपके जैसे कई मरीज पूरे विश्व में भरे पड़े हैं और काफी परेशान हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? पहले मुझे लगता था कि आयुर्वेद के अंदर इसका इलाज नहीं है, मगर ये मेरा अनुभव है कि आयुर्वेद से ये बीमारी ठीक हो सकती है, मगर जितना जल्दी इलाज कराया जाए उतना ज़्यादा इसके अंदर फायदा हो सकता है। ये देखा, जो आपने देखा वो परिणाम आयुर्वेद का था, वो परिणाम पंचकर्म का था, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यदि मरीज समय रहते हुए एंकेलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस में भी इनिशियली डिफॉर्मिटीज हुई, पूरा जो स्पाइन था कव हो गया, वो सब नहीं होगा, इतना हम कॉन्फिडेंस से, जो अनुभव है 40 साल का उसके अनुसंधान से, इतना तो हम कॉन्फिडेंट है कि इतना परिणाम तो पक्का होगा। धन्यवाद।